इसको यहाँ पे ठीक से रखो दो on source information Anup Baidya, our in charge of Panitanki PP, उसने कल्याण रॉय बोल के जो है उसको पकड़ा नक्सलबारी से और उसके पास से 1 kg ऑफ सस्पेक्टेड ब्राउन शुगर वहाँ से सीज किया और उसको इंट्रोगेट करने के बाद और एक रुलेगा खातून एज 36 ईयर्स मालदा वैष्णव नगर ये जो औरत है उसको भी मालदा से अरेस्ट किया और वहाँ से भी 1 kg ब्राउन शुगर लाइक सब्सटेंस वहाँ से भी सीज किया। तो आई थिंक दार्जिलिंग पुलिस का ये बड़ा सक्सेस है, 2 kg एट अ टाइम ब्राउन शुगर मिलना, उसका करीबन प्राइस है 60 lakh और मार्केट प्राइस है अबाउट 1 crore। सो हमारा हमेशा ही प्रयास रहा है कि नशा मुक्त ड्रग फ्री सोसाइटी, ये हमारा हमेशा ही प्रयास रहा है टोटल दार्जिलिंग ज़िले में, बिकॉज ये जो आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट एरिया है और यहाँ पे नेपाल बॉर्डर है, नीचे मुर्शिदाबाद मालदा नॉर्थ ईस्ट, ये सब यहाँ से एक कॉरिडोर है, तो इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में जैसे सिलीगुड़ी कमिश्नरेट ने बहुत सारे केसेस किए, हम लोगों ने करीबन 70 से 80 केसेस इसके खिलाफ़ किए हैं और हमारा ये जो प्रयास है सब हमेशा और तेज़ होगा इसके खिलाफ़ में। मैंने मेरे ओसीज़ को भी बोला है कि आप ये एक बॉब विश्वास बोल के एक मूवी आया है, आपने भी देखा होगा, तो इसमें भी बॉब विश्वास मूवी में दिखाया है कि किस तरह से ड्रग रैकेट चलता है। तो मैं वही सबको बोला कि ये जो चीज़ है ये समाज के लिए विघातक है और इसके खिलाफ़ हमेशा हमको एक्ट करना चाहिए। तो इसी तरह से मेरे ओसी इसके खिलाफ़ काम कर रहे हैं, ओसी खरीबारी है, ओसी पानीटंकी पीपी है, एडिशनल एसपी अचिंत्य, इनका टीम हमेशा इसके पीछे लगा हुआ है। नॉट ओनली ये जो ब्राउन शुगर लाइक सब्सटेंस है, गांजा है, उसके बाद जो कैप्सूल्स यूज़ होते हैं ड्रग्स के लिए, कफ सिरप होते हैं, उसके खिलाफ हमारा यह अभियान चल रहा है और चलता रहेगा। थैंक यू। लाल माटिर हाथ झाड़ग्राम शहरे प्रथमवार অরণ্য শহরের মহিলারা একত্রিত হয়ে তৈরি করেছেন নতুন চিন্তাধারা নিয়ে শহরের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে এখানে উদ্যোগ তাঁদের। শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি হাটের আদলে ঝাড়গ্রামের শালমহুয়ার অরণ্যে লাল মাটির হাট প্রতি রবিবার বসবে। মূলত মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্যই এই উদ্যোগ। সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত হাট বসবে রবীন্দ্র পার্কে। এখানে পাবেন নানা রকম জামা কাপড়, হাতের তৈরি গয়না, ঘর সাজানোর জিনিসপত্রের পাশাপাশি ব্যাগ, জুতো। এছাড়াও থাকবে হরেক রকম খাবারের স্টল, সুস্বাদু আচার, ঘি, গহনা বড়ি থেকে কেক, চকলেট, পিঠে পুলি।